Hey guys, welcome back to our channel. Debunk is your sister. तो ये travel series का third vlog होने जा रहा है and we are damn tired. क्योंकि ये अगर आप लोग लास्ट वीडियो देखे होंगे कि हम लोग सांडकफू से डायरेक्ट अब भी आए हैं दार्जिलिंग का एक ऑफ बीट प्लेस विच इज शीटोंग. यहाँ पे फेमस है ऑरेंजेस, तो वही ऑरेंज गार्डन देखने आए हैं और थोड़ा सा क्या बोलूँ, अच्छा जगह पे हम लोग थोड़े दिन अच्छे से रहेंगे. थोड़ी दिन मतलब एक दिन, जस्ट एक दिन के लिए यहाँ पे भी आए हैं, तो सोचा क्यों ना आप लोग को भी दिखा देते. कल हम लोग का प्लान है काफी ओके ओके सांडकफू से, वेरी 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 ओके, बहुत शांति शांति फीलिंग आ रही है. तो अभी हम लोग बैकग्राउंड में क्या सुंदर सुंदर फूल लग रहे हैं भाई, और आगे जाके तो हम लोग को ऑरेंज का जो गार्डन है वो भी देखने को मिलेगा. वो उसके बारे में बात कर रहे हैं भाई के भैया के साथ. तो एनीवेज चलो फटाफट से हम लोग जिस होम स्टे में रह रहे हैं वो वाला होम स्टे का टूर करते हैं एज हमारा रिचुअल. मैं करूंगी इस बार बिना गिरे पिछली बार की तरह. ओके चलो, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं. इसके आगे मुझे गाना नहीं आता. हर बार यही करती है वो लड़की. इस बार गिरी नहीं, मैं खुशहाली की बात. तो ये फोर बेडेड रूम है. यहाँ पे हर होमस्टे में ऐसा ही है, एकदम सिंपल सा, ताकि आप लोग अच्छे से थोड़ा टाइम स्पेंड करो फैमिली के साथ. और ये बाहर का व्यू है, डायरेक्ट बाहर का देख सकते हो. और इसके बाजू वाला रूम जो देख रहे हो आप लोग वो बुआ लोग का है. तो अभी फिलहाल टाइम हुआ है 4:30 राइट, 4:40 और अभी तक हम लोग का लंच नहीं हुआ. बीच में हम लोग जस्ट एक जगह रुक के थोड़ा मोमोज खा लिए थे, तीन मोमोज. भूख के मरे हुए हैं. जैसे ही बोला गया कि खाना क्या परोस दिया जाए, एवरीबॉडी वाज लाइक अरे परोसिए रे बाबा, हम आ रहे हैं अभी खा ले. तो चलो फटाफट से खाना वाना खाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं. तो चलो आप लोगों को फटाफट से पूरा व्यू अच्छे से दिखा देते. तो देखो कितना सुंदर सुंदर फ्लावर्स है यहाँ पे. एंड ये जो पूरा एरिया है ये पूरा हम लोग का ही होम स्टे है शीटोंग. इन लोग का बहुत सारा रूम है, इसलिए लास्ट मोमेंट पे हम लोग को मिला है. और ये रहा हम लोग का रूम एंड हियर यू गो, दैट्स इट. तो हम लोग जस्ट 5 बजे लंच किए हैं जैसे कि मैंने आप लोग को बताया. और अभी बजे 6, तो हम लोग को आ गया है ब्लैक टी और पकौड़ा. देखो यहाँ पे हम तीनों बैठ के अभी फिलहाल खा रहे हैं. और ही इज़ द फोटोग्राफी मास्टर, इसलिए हमेशा क्लिक क्लिक करते रहते हैं. सो आज है मेरी क्रिसमस बाय द वे. जब तक आप वीडियो देखोगे ऑफकोर्स मेरी क्रिसमस बहुत पहले जा चुका होगा. सो एनीवेज जितना खा सके खाते हैं, क्योंकि ये हर जगह मैंने जैसे बोला है कि ये पर हेड हिसाब से कॉस्ट लिया जाता है, जिसमें लंच स्नैक्स डिनर ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है. तो चलो फटाफट खा लेते हैं. तो ये रहा इसका क्यूट सा डेकोरेशन क्रिसमस ट्री का, क्योंकि जैसे मैंने बताया क्रिसमस है आज, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को भी अच्छे से दिखा देते. तो ये कंप्लीट है डाइनिंग एरिया, तो छोटा वगैरह करके ये लोग थोड़ा सा डेकोरेशन किए. एंड या चलो अब खाते हैं फटाफट से. तो ही इज़ द ओनर ऑफ दिस होम स्टे और अभी ये गाना गाएंगे, तो आप लोग को भी थोड़ा बहुत सुना देते हैं फटाफट से. Amar gar ko asito hoy na.
गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज द नेक्स्ट डे और अभी तक हम लोग शीटॉक में ही हैं। अभी अभी ब्रेकफास्ट किया है, बहुत धूप है आज। फिलहाल जो दो दिन हम लोग रहे उससे बहुत ही अच्छा टेम्परेचर है एक्चुअली, कम्प्लीटली बियर पे एक्चुअली, मतलब मजे आ रहे हैं। लोगों ने नहाना भी चालू कर दिया ऑलरेडी, मतलब हमारे फैमिली के लोगों ने। सो बेसिकली अभी हो गया हम लोग का ब्रेकफास्ट जान। मैं सोची थी एक अलग अलग हर वीडियो का पार्ट करूंगी, जैसे आप लोग लास्ट तक देखते हुए आ रहे हो, बट अभी मुझे लगता है कि शीटोंग वाला जो वीडियो है थोड़ा सा छोटा हो गया है। नहीं पता मैं दो पार्ट में दूंगी कि नहीं, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं साइट सीन करने, उसके बाद जाएंगे दार्जिलिंग। तो हम लोग जाएंगे दार्जिलिंग, वहाँ पे घूमेंगे, खाएंगे, दैट्स इट, वी आर डन विद द ट्रिप। नहीं पिएंगे पानी वानी, ऑफ कोर्स। सो अभी हम लोग यहाँ से चेकआउट करेंगे। हम लोग का जो होम स्टे था वो था सी टोंग होम स्टे, सी वाला, कैट वाला सी। हाँ, आप लोग स्क्रीन पे देख लेना। हाँ। और डिटेल्स वगैरह मैं दे दूंगी, यहाँ पे भी पर हेड वगैरह है। तो चलो फटाफट लगे, हम लोग का कार आ गया है, लगेज डालते हैं और फिर चलते हैं शीटोंग का साइट सीन करने, वहां से जाएंगे दार्जिलिंग। दैट्स इट, तो नाउ फाइनली एक्साइटेड। या एग्जैक्टली, तो चलो फटाफट हम लोग वहां पे जाते हैं और आप लोगों को फिर दिखाते हैं। सो हम लोग फाइनली हम लोग का होम स्टे छोड़ के आ चुके हैं फर्स्ट साइट सीन, जो है ऑफकोर्स फेमस ऑरेंज गार्डन, जिसके लिए हम लोग शीटोंग आए थे। तो चलो फटाफट आप लोग को दिखाते हैं। इसका यहाँ पे भी एंट्री फीस लगता है 50 रुपीज़ ईच पर्सन। मैं क्या बोल रही हूँ, ईच पर्सन। तो चलो फटाफट से आप लोग को भी थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं। चलो मेहनत से यहाँ से आए हैं हम लोग। हाँ वही, पूरा यहाँ से आए हैं। चलो दिखा देते आप लोगों को, जस्ट चेकआउट। देखो कैसे पेड़ में सब ऑरेंज लटके हुए हैं। कश्मीर में तो फॉल्स एप्पल थे ना, जिनको पकड़ के मैं लटक लटक के फोटो खींच। ये वाला ओरिजिनल अभी सीजन है ऑरेंज का ही, देख लो हर जगह पे है फॉल्स। हाँ फॉल्स ना, बट उठे लागानो चिलोमनी देखो। चलो और भी व्यू दिखाते आप लोगों को। तो यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो ये कंप्लीट ऑरेंज गार्डन ही भरा हुआ है यहाँ पे, और स्मेल जो है बाप रे बाप। और भी ऊपर है, हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो ऊपर जाके आप लोगों को दिखाते हैं। देखो कहाँ चले गए सब लोग, चलो फटाफट ऊपर जाते हैं। तुमको नहीं दिखा रही थी मैं, पोपड़ हो गया मेरा। चलो ऊपर चलते हैं। तो गाइज अभी हम लोग अपने सेकंड डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं, जो कि है आहलदारा। दिस इज बेसिकली अ व्यू पॉइंट, यहाँ से दुनिया भर के पहाड़ दिखते हैं। बट बैड लक की बात यह है कि कुछ ज़्यादा ही फॉग है, तो हाँ कुछ व्यू नहीं दिख रहा है। ये सेम ही ऑलमोस्ट, हम लोग सांडाफू से जो व्यू हम लोग को दिखता है यहाँ पे ऑलमोस्ट वही है। बट ये साइट सीन है इसलिए हम लोग को भी आना पड़ा। तो वैसे तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा दे रही है ऊपर से, मैंने मज़ा आ रहा है। तो इसके बाद फाइनली 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 हम निकलेंगे हम लोग का फेवरेट डेस्टिनेशन के लिए, विच इज दार्जिलिंग। वी आर सो एक्साइटेड फॉर दैट, आवर ऑल टाइम फेवरेट प्लेस। मेरी मम्मी को तो वहीं पे एक फ्लैट खरीद के या तो घर, सच में मतलब वेकेशन की अगर बात चल रहा है तो मम्मी के मुंह से तो दार्जिलिंग चलते बेस्ट ऑप्शन। शी जस्ट वांट दार्जिलिंग इन हर लाइफ, दैट्स इट। सो फाइनली आप लोगों को थोड़ा व्यू दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे हम लोग का फाइनल डेस्टिनेशन के लिए।